हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं आज NS 160 का जो नया अपडेट मॉडल आया, तो इसमें क्या क्या अपडेट किया है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे रेट का। तो रेट का हम अगर बात किया जाए तो आपको एक्स शोरूम का पड़ने वाला है हम लोग का सिटी में 1,47,000 ऑन रोड है, मतलब एक्स शोरूम है वो। बाकी एक्स शोरूम के साथ में वो क्या क्या मिलेगा गाड़ी के साथ वो हम बता देंगे। गाड़ी में जो भी ऐसा सीरीज, मतलब 1,47,000 में क्या क्या ऐसा सीरीज मिलने वाला वो हम ऐसे सीरीज बताएंगे। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे हम मतलब फ्रंट से, तो मतलब सारा चीज़ सबको बताएंगे क्या क्या अपडेट किया है, मतलब क्या क्या अपडेट नहीं देखने के लिए मिलेगा नया वाला मॉडल में या फिर पुराना वाला मॉडल में क्या क्या अपडेट देखने के लिए मिल रहा था। तो हम स्टार्टिंग करने वाले थे फ्रंट से, तो हम स्टार्ट करते हैं तो आपको मतलब दिखाते हैं फ्रंट से। तो आपको वही विंडशील देखने मिल जाएगा, वही बजाज का लोगो देखने मिल जाएगा, पर यहाँ पर जो सेटअप है वो आपको फुल्ली चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो देख सकते हैं आपको मतलब यहाँ DRL मिल जाता है, बाकी यहाँ LED बल्ब के साथ में मिल जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे मतलब आपको LED बल्ब देखने के लिए मिल जाएगा पूरा। फिर आगे का जो सेटअप है वो फुल्ली चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इस साइड से अगर बात किया जाए तो वही आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी LED यहाँ पे इंडिकेटर मतलब ऐड कर दिया गया है वो देख सकते हैं। LED इंडिकेटर के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर प्लेट का जो फ्रेमिंग जो पंचिंग आता था वही सेम मिलने वाला। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड क्वालिटी का बात किया जाए तो विंड क्वालिटी अच्छा है। बाकी वही सेम ग्राफिक्स के साथ में मिलता है, इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है, UHD फॉग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो टायर सेक्शन है और बाकी जो मतलब जो रिम का जो सेक्शन है, जो फिर जो डिस्क का साइज़ है वो सेम साइज़ दिया है, मतलब चक्का में और मतलब डिस्क में मतलब जो भी है अलाइनमेंट में, इसमें कोई अपडेटेड देखने के लिए नहीं मिलने वाला आपको। तो इसमें आपको MRF का टायर मिल जाता है। तो इसका अगर हम टायर सेक्शन का बात किया जाए तो आपको टायर सेक्शन का भी बात हम बताते हैं अभी कितना कितना बाई कितना का है। तो टायर सेक्शन का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं इसमें 180-17 का टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो ट्यूबलेस टायर के साथ में मिलने वाला है। तो ये चीज़ था फ्रंट से अपडेटेड का क्या मॉडल था। बाकी हम अगर मीटर कंसोल का बात किया जाएगा इसके बाद, तो मीटर कंसोल में आपको दिखाएंगे। पहले इधर दिखा देते तो थोड़ा सा ग्राफिक्स, तो इस साइड भी सेम ग्राफिक्स मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पर 160 कुछ ग्राफिक्स मिल जाता है रेड के साथ। बाकी ऑयल कूलिंग मिल जाता है इसमें आपको बजा मतलब ब्लैक इंजन के कॉम्बिनेशन के साथ। गियर पोजीशन जो है वो 5 गियर पोजीशन मिलने वाला है इसमें, मतलब 160 में आपको 200 में 6 गियर तक का देखने का मतलब सपोर्टेड मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इंजन कॉल का जो है ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में आपको देखने के लिए इंजन कॉल मिल जाता है। बाकी ये देख सकते हो सिंगल मतलब सिंगल सॉकर के साथ में आता है, मतलब बैक पीछे जो भी है। बाकी यहाँ पर चेचेस का देख सकते हो थोड़ा सिल्वर सा, और यहाँ पर देख सकते हैं रबड़ का तो थोड़ा सा मिल जाता है। ये चीज़ मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम देकर दे दिया। तो यहाँ सब टंकी का बात किया गया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं E20 सपोर्टेड आपको मिलने वाला है फुली ब्लैक के साथ, मतलब वाई कॉम्बिनेशन है। बाकी यहाँ पे 3D में लोगो देखने के लिए मिल जाता है जो काफ़ी प्रीमियम जैसा देखने के लिए लगता है। तो अब स्टार्ट किया जाए मीटर का, तो मीटर कंसोल का जो बात किया जाए, मीटर फुल्ली डिजिटल आपको कर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मीटर हम स्टार्ट करके दिखाते हैं, तो फुल्ली मीटर देख सकते हैं, फुल्ली डिजिटल मीटर देखने के लिए मिल जाता है मीटर कंसोल। तो मीटर में क्या क्या आपको मिलने वाला, तो मीटर में आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, बाकी इंजन का जो भी है मतलब ब्लूटूथ जैसे मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ABS यहाँ चेक लाइट, फिर बाकी यहाँ पे मतलब दिखा सकता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइटिंग वोटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ गियर बॉक्स मिल जाता है, बाकी RPM लाइट मिल जाता है। RPM लाइट के बाद यहाँ पर गियर पोजीशन मिल जाता है, बाकी यहाँ फ्यूल का देखने को मिल जाता है जिसमें अभी फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल इसलिए नहीं बता रहा। बाकी 4 किलोमीटर दूर ये गाड़ी चला हुआ, मतलब हम लोग चला हुआ चेक किए थे, बाकी वो चीज़ था। बाकी यहाँ पर दिखाते हैं आपको न्यूट्रल ही सब का भी। तो ये था मीटर कंसोल का जो भी था, जो मतलब जो भी बाकी यहाँ पर आपको दिखाने वाला आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम, जो मीटर में यहाँ पर देख रहे हैं जो सैम्बल है वो आपको बताएगा, मतलब जो भी इंडिकेट करें कहीं का लोकेशन ही सब डाल के आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ था मीटर का अपडेटेड। बाकी मीटर के साथ में आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, जो देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए आपको मिल जाता है। चार्जिंग मतलब जो था इसमें चार्जिंग भी अपडेट कर दिया गया है। बाकी उसके बाद यहाँ का बात हो गया तो फिर इस चीज़ का देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं जो N160 में जैसे दे रहा था अपर डीपर का, बाकी पासिंग का वो था, तो पासिंग में हम करके दिखाएंगे आपको। बाकी यहाँ पे एक देख सकते हैं मेनू का बटन दे दिया है, बाकी यहाँ पे इंडिकेटर का जो था, बाकी वहाँ पर सिंगल हॉर्न जो था वो चीज़ मिल सकता है। बाकी अपर पासिंग का देख सकते हैं, पासिंग का लाइट देख सकते हैं कितना प्यारा कर दिया है। बाकी यहाँ पे आपको इस साइड देखने के लिए कोई ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ था यहाँ पे अपडेटेड। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं देखने के बाद ये मतलब डबल सीट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब 160 जो डबल सीट में आता तो वही डबल सीट में दिया। यहाँ तक अभी जो भी लोगो था वो चेंज करने नहीं किया है, यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ हो गया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मतलब जो सस्पेंशन का हो गया, सस्पेंशन जो मतलब बोलते हैं वो सस्पेंशन का सारा यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है, जो डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल्स है साथ में, मतलब है सस्पेंशन। तो इसमें सिंगल चैन कवर के साथ, बाकी पैर रखने वाला कुछ इसी टाइप से है जो आता था 160 में, वही सेम चीज़ देखने को मिल जाता है। चैन कवर मतलब देख सकते हैं चैन कवर, फुली चैन कवर नहीं मतलब जो हाफ चैन कवर मिलता था वही। बाकी सिंगल डबल स्टैंड मिल जाता है, सिंगल स्टैंड के साथ आपको कट ऑफ मिल जाता है। बाकी यहाँ गियर पोजीशन जो था वो सेम गियर पोजीशन दिया है या डबल सेंसर के बाद। बाकी यहाँ पर अगर बात किया जाए तो पीछे में आपको चेंज क्या देखने को मिल जाता है, तो पीछे का जो पकड़ने का जो चीज़ था वही था। बाकी जो लाइटिंग वोटिंग सेम चीज़ है लाइटिंग, बाकी आपको पीछे भी इंडिकेटर जो देख रहे हैं वो चीज़ मिल जाएगा, मतलब वही आपको मतलब LED इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी एक साइड ये चीज़ में देख सकते हो
रिफ्लेक्टर को ऐड कर दिया गया, रिफ्लेक्टर ऐड कर दिया गया। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट का फ्रेमिंग देख सकते हैं, जो नंबर प्लेट वाला बाकी रिफ्लेक्टर है यहाँ पे भी वो आ गया। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मेडिगार्ड है वो थोड़ा सा ये जो है ये थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है टायर सेक्शन के साथ में बात किया जाए तो। बाकी यहाँ पे पीछे को जो से देख सकते हैं टायर सेक्शन, वो आपको सेम टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, मतलब जो उसमें आ रहा था 160 में सेम यही सेम दे रहा है। 160 में जो MRF का टायर डिस्क के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, डिस्क के साइज़ के बाद भी। उसके बाद हम बात किया जाए इसका टायर सेक्शन का, तो टायर सेक्शन भी हम दिखाते हैं वो कितना भाई कितना का मिलने वाला है MRF का टायर ट्यूबलेस के साथ में। तो पीछे टायर सेक्शन का बात कर रहे थे तो आपको 170 का टायर देखने के लिए मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं मतलब वो टायर सेक्शन 130 170। बाकी सिंगल सॉकर के साथ देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल सॉकर के बाद ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं पैर जो रखने वाले जो चेंजेस है ये थे, देख सकते हैं चेंज तो नहीं किया, मतलब वही चीज़ दे दिया, मतलब ब्लैक कॉम्बिनेशन में दे दिया। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं पीछे का जो गियर पोजिशन है मतलब ब्रेक व्रेक का जो भी है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सिंगल किक के साथ में 160 में मिल जाता है, जो 200 में नहीं मिलता, ये अपडेटेड मतलब ये प्लस पॉइंट है आपको 160 में। बाकी यहाँ पर DTS इंजन मिल जाता है, DTS इंजन का मतलब यहाँ DTS इंजन मिल जाता है। बाकी वही आपको मतलब ब्लैक इंजन के साथ में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो इंजन कॉल है वो सेम ग्राफिक्स के साथ में दे रहा है, वाइट में जो आता था ग्राफिक्स वही ग्राफिक्स के साथ में दे रहा है। बाकी यहाँ पर ऑयल कूलिंग तो बता ही दिए थे, बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम ग्राफिक्स वही चीज़ था। तो ये हो गया पूरा अपडेटेड मॉडल। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चैनल को।